यामी गौतम की मच अवेटेड फिल्म आर्टिकल 370 बहुत ही जल्द थिएटर में आने वाली है। लोग बेसब्री से फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में फिल्म के ओपनिंग डे पर मेकर्स ने एक खास ऑफर जारी किया है। रिलीज के पहले दिन आप थिएटर में सिर्फ 99 रुपीज में फिल्म देख सकते हैं। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी ये मूवी 23 फरवरी को रिलीज होगी। वहीं इस फिल्म की चर्चा पीएम नरेंद्र मोदी ने भी की। जम्मू कश्मीर में एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैंने सुना है कि अभी इस हफ्ते 370 पर फिल्म आ रही है। अच्छी बात है, लोगों को सही जानकारी मिल जाएगी। शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। मैंने कल ही कहीं किसी टीवी पे सुना कि ऐसी कोई 370 पे फिल्म आ रही है। अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। बता दें कि फिल्म आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद के हालातों को दिखाएगी। फिल्म में खुफिया अधिकारी बनी यामी गौतम पीएमओ ब्यूरोक्रेट के साथ आतंकवाद की साठगांठ का पर्दाफाश करने की कोशिश करेंगी। जियो स्टूडियोज और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के मेकर्स की ओर से फिल्म आर्टिकल 370 एक हाई ऑक्टेन एक्शन पॉलिटिकल ड्रामा है। इसका डायरेक्शन नेशनल अवार्ड विनर आदित्य सुहास जांभले ने किया है। यामी गौतम की पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक्ट्रेस जल्द ही खुशखबरी देने वाली हैं। उन्होंने साल 2021 में फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के डायरेक्टर आदित्य धर से शादी की थी। शादी के 2 साल के बाद एक्ट्रेस अपने पहले बच्चे की मां बनने वाली हैं। फिल्म आर्टिकल 370 के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में खुद आदित्य धर ने इस बात का ऐलान किया था। एक्ट्रेस 5 महीने की प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी के दौरान भी यामी गौतम काम कर रही हैं और लगातार अपने फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए रेडियो सिटी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।